हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक फेस इल्यूमिनेटिंग लोशन को फेस पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ फ्रॉम कलबार, और ये जो लोशन है इसे आप मेकअप प्राइमर में, फाउंडेशन में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वक्त मैं बता दूँ, दिस इज़ फ्रॉम कलबार स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन, एंड 30 ml प्रोडक्ट क्वान्टिटी के साथ आता है। इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, 950 rupees का है, और ये 2 years शेल्फ लाइफ के साथ में आता है। 2.5 या ऑलमोस्ट 3 years तक आप यूज़ कर सकते हो, और ये क्रूअल्टी फ्री एंड पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, और ये मेड इन इटली प्रोडक्ट है। गेट सेट एंड ग्लो विद दिस सुपर चार्ज्ड ल्यूमिनाइजिंग लोशन दैट इज़ द अल्टीमेट पेपमी अप फॉर स्ट्रेस्ड स्किन, पावर्ड विद इरिडिसेंट पिगमेंट्स एंड पोटेंट बॉटनिकल्स दैट रिड्यूस साइंस ऑफ इम्परफेक्शंस टू लाइट अप योर स्किन इंस्टेंटली। एंड इसको सिंपली आपको अपने फेस को वॉश करके, मॉइस्चराइजर लगा करके, यू नो, अप्लाई करना है मेकअप से पहले। तो इस तरीके से ये ओपन होता है, ट्विस्टेड इसका कैप है, यू कैन सी। बहुत सारे सीरम आपने इस तरीके की पैकिंग में देखे होंगे, और अभी कलबार में एक गोल्डन शेड भी लॉन्च हुआ है इसी में, उसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी करूँगी। तो मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ। दिस इज़ द लोशन, आपने देखा, ये बहुत ही यू नो खूबसूरत प्रोडक्ट है। अगर आप मैक स्ट्रोब क्रीम नहीं ट्राई करना चाहते हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑसम। और ये स्किन केयर प्रोडक्ट भी है साथ में। इंस्टेंटली स्किन को ब्राइटन करता है, देखा आपने। और जब आप इसको ब्लेंड करोगे ना तो हल्का सा पिंकिश शेड में चेंज होता है। इस तरीके से तो मैं इसे डायरेक्टली ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। पार्टी मेकअप से पहले आप इसे लगा सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो रोज़ाना भी आप लगा सकते हो। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि मेकअप से पहले आपको एक बहुत खूबसूरत इल्यूमिनेटिंग लुक भी मिल जाए, स्किन मॉइस्चराइज हो जाए, एंड यू नो फाउंडेशन या कोई जो मेकअप बेस है आपका वो बिल्कुल भी केकी ना लगे, उसके लिए आप ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, और इसकी यू नो डबल लेयर लगाने की ऐसा उतनी नीड नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जितना लगा लिया है उतना सफिशिएंट है। इसके बाद अगर मैं फाउंडेशन या कोई भी यू नो मेकअप लगाऊंगी तो उससे बहुत अच्छा सा लुक आएगा। तो उसके लिए आप अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, और इस डेमो के लिए मेरी एक सब्सक्राइबर बहुत दिन से कह रही थी। एंड अगर आपको इससे हाइलाइटिंग भी चाहिए तो आप इस तरीके से ले करके थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही ज़रा सा इन एरियाज में लगा सकते हो। अपने नोज पर और सो उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा सा लुक मिलेगा। सो ये है मेरा डेमो, एंड मैं आपको बोलूँगी कि समर्स, विंटर्स, मॉनसून, ऑटम, विंटर, कैसा भी यू नो वेदर हो, आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एक बार ये ट्राई करना बनता है, और ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप में से किसी ने नहीं यूज़ किया है। इसके गोल्ड वाले को मैं नहीं कह सकती अभी, क्योंकि उसको मुझे परचेज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा। और मेकअप अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप सिर्फ इसको लगा करके ही डे टाइम में रह सकते हो,
अगर आपको एक फ्लॉलेस सा लुक चाहिए, और उसकी फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी सी मेडिकेटेड टाइप की है बट आई लाइक द फ्रेग्रेंस। और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड कल बार के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमो करने बाकी हैं, तो वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा। और यस, बाय बाय।